फिट जी जो IIT JEE की प्रिपरेशन करते हैं और मेडी जी जो ES और गेट का प्रिपरेशन करते हैं, यहाँ कालूसराय में जिनका बैच है वहाँ पे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वहाँ का फूड, अभी करेंटली फूड में रूम का क्या चीज़ें हैं, इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करेंगे, जैसे आप फिट जी के स्टूडेंट अभी 10th या 12th में होंगे, जो भी प्रिपरेशन करने फिट जी में जाता है या नारायणा में जा रहा है या आकाश में या बहुत रॉ एकेडमी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है मेडी जी में जा रहे हो, तो कालूसराय हौज खास में जो करेंटली क्या सिचुएशन है तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत स्टूडेंट अभी रहते हैं वहाँ से, मैंने पूछा तो बताया उन्होंने क्या सिचुएशन है, सारा इस वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं ये कालूसराय जो हौज खास मेट्रो से नियर 5 मिनट का रास्ता, 5 मिनट से भी कम रास्ता है। और वहाँ पे आप अभी एडमिशन ले रहे हैं, जो फरवरी मार्च में बैच स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पे रहने खाने का और रूम का रेंट क्या सिचुएशन? अभी देखो वहाँ रूम वूम तो इजीली अभी बहुत खाली है, आपको इजीली मिल जाएगा। अभी फरवरी में भी जाओगे तो मिल जाएगा। बहुत स्टूडेंट अभी गेट के प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे साल के स्टूडेंट जो है वहाँ पर रूम अभी तो अवेलेबल बहुत सारे, खाने का तो बहुत सारा अवेलेबल है, क्योंकि फूड अभी बंद नहीं हो सकता क्योंकि अभी कोरोना तो मोस्टली अब देख ही सकते हो कि है ही नहीं उतना, तो लोग वहाँ पर खाना पीने का तो पूरे चल रही है। वहाँ पर अच्छा खाना है, आपको सरदार जी एक है हंगरी करके है, तो वहाँ पे आप जाके ले सकते हो, अच्छा खाना देता है, 3000 थोड़ा कास्टली है बट हाँ शुद्ध खाना देता है। और वहाँ पे रहने के लिए देखो बहुत सारा इलाका है, मेडी जी के पास लेते हो या फिट जी के पास लेते हो तो नियर में पड़ जाए। यहाँ पे कालूसराय होता है, कालूसराय में नियर में सब कुछ होता है, वहाँ रूम थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं, बट थोड़ा सा दूर लोगे 100 या 200 मीटर में थोड़ा जाके तो वहाँ पे थोड़ा सा सस्ता मिल सकता है। अब दो लोग हो तो और सस्ता मिल जाएगा, वहाँ रूम नहीं मिलता है। वहाँ रूम का क्या होता है ना, जैसे रूम आप लेते हो ना तो रूम के साथ वहाँ पे दो लोग होते हैं, जैसे 8000 का रूम है तो एक रूम में 4 लोग। अब कौन, आप दो फ्रेंड हो तभी, या पहले से एक है तो आपको मिल जाएगा दो लोग, बेड वहाँ पे मिल जाता है आपको, अलमारी में भी मिल जाता है आपको, टेबल चेयर सब कुछ अवेलेबल होते हैं। और खाने के लिए वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा बाहर, या टिफ़िन का सिस्टम लगवा सकते हो, टिफ़िन वहाँ पे ईजिली मिल जाता है, टिफ़िन आपको खाना रूम पर पहुँचा देते हैं। और आपको जाके खाना ज़्यादा अच्छा होता है, वो तो थोड़ा खाना अच्छा मिल जाता है, और ऐसे तो आपको खाना लेट में भेजते हैं या ठंडा खाना बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो डिपेंड। रूम की बात करें, रूम कॉस्टली 5-6-8-10 हज़ार जैसे आपको लेना हो। सिंगल रूम लोगे तो वहाँ भी अच्छे स्टैंडर्ड रूम भी मिलेंगे और ख़राब भी रूम मिलेंगे। तो गाइस ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, और भी चीज़ें आपको जो भी नीड हो तो मुझे कमेंट करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फूड हुआ, रेंट हुआ, वहाँ लाइब्रेरी बहुत सारे हैं, लाइब्रेरी कालूसराय में लाइब्रेरी है, मैंने मोस्टली स्टूडेंट लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि लाइब्रेरी में 1000 या 1200 रुपये लगते हैं, तो वहाँ लोग या 8 आवर का होता है तो 800-900 रुपये में वो भी ज्वाइन करा देते हैं। वहाँ पर आपको इंटरनेट की सुविधा मिल जाती है, पानी की सुविधा मिल जाती है, और चेयर और सब कम्फर्टेबल जोन में आपको वहाँ ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है गाइस। तो और चीज़ें हैं, फूड हो गया, आपका रहने रेंट हो गया, देखो ट्रांसपोर्ट, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का इतना नहीं है। अब जैसे दूसरा आपका साकेत में जाता है तो साकेत में थोड़ा और कास्टली या थोड़ा अच्छा लोकेशन पे है, तो कालूसराय ठीक ठाक है, मेट्रो के पास है, बहुत सारे स्टूडेंट मोस्टली बहुत सारे आपको IAS के सिविल सर्विसेज के भी मिल जाएंगे, आपको गेट ESC इलेक्ट्रिकल के मिल जाएंगे, आपको सिविल के इलेक्ट्रिकल सिविल का ब्रांच मोस्टली वहाँ चलता है, और आपको IIT JEE के प्रिपरेशन करने वाले जो प्रिपरेशन होते हैं वो मिल जाएंगे, बहुत सारे नीट के भी प्रिपरेशन करने के, लॉट ऑफ लाइब्रेरी। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, तो वहाँ मैं आपको रिप्लाई ईजिली दे सकती हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसे लगा, लाइक और सब्सक्राइब और बेल दबा लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, जय हिंद, वंदे मातरम।